नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मैक प्रहरी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि आप थंबनेल में देख लिया होगा, ITUP SILDC का होने वाला एग्ज़ाम, जो उसमें जाते समय क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, इसके अलावा किस तैयारी के साथ जाना है, पेपर किस तरह का आएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सारे डाउट इसमें क्लियर कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 8 जनवरी 2022 को होने वाला एग्ज़ाम देहरादून में होना है, तो आपको उसी हिसाब से अपने साथ सर्दी के कपड़े भी ले जाने हैं, ताकि वहाँ पे एक्स्ट्रा परचेजिंग नहीं करनी पड़े आपको। आपका पूरी प्रोसेसिंग होते होते लगभग 20 दिन का टाइम मान के चलो। अगर आपका घर है या यूनिट नज़दीक है तो आप दो दो तीन तीन चार चार दिन की छुट्टी भी आ सकते हैं। अगर आप घर से बहुत देहरादून बहुत दूर है बटालियन भी और आपका घर भी दूर है, तो आपको लगभग एक महीने की छुट्टी लेकर आना पड़ेगा और वहाँ पर 15 या 20 दिन सर्वाइव करना पड़ेगा। यानी कि चाहे होटल में रहो चाहे अपने आधार पर कहीं भी रह सकते हो, तो उस हिसाब से आपको अपनी रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम में जाते टाइम या फिज़िकल के समय आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, जैसे कि भर्ती में भर्ती प्रक्रिया के दौरान होती है, सेम वही कार्रवाई वहाँ पे होगी। तो आपने जो भी फॉर्म सबमिट करते टाइम डॉक्यूमेंट अपने सबमिट किए, वो सारे ओरिजिनल ले जाने हैं, जैसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा जो भी अगर आपको कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जैसे ST ST वालों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिसको उस कैटेगरी का लाभ लेना है। तो इसके अलावा अपना आई कार्ड और सर्दी से बचने के लिए कपड़े ज़रूर ले लें, ताकि एक्स्ट्रा परचेजिंग नहीं करनी पड़े वहाँ पे। इसके अलावा आपको बता दूँ, एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम के बाद पेपर होता है वो वहीं पे कलेक्ट कर लेते हैं, और आपको कार्बन कॉपी होती है आंसर की वो दी जाती है, और पेपर के 2 दिन के बाद आंसर की वो डाल दी जाती है, और 1-2 दिन में ही रिजल्ट चिपका दिया जाता है मेन गेट पर, तो वहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। नंबर 2 बात, ट्रैवलिंग करते टाइम देहरादून जाते समय अपने आई कार्ड पर्स को सेफ्टी से रखना है, ताकि चोरी से बचा जा सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के। क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा 200 नंबर का, और पर्सन संख्या भी 200 होगी, प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का होगा। इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसको आपको करके आना चाहिए, क्योंकि प्रायिकता होती है कि आपको 25% की वो क्वेश्चन सही हो सके। पेपर 4 भागों में होगा, जिसमें नंबर 1 भाग में न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स गणित आएगी, नंबर 2 भाग सामान्य ज्ञान या प्रोफेशनल नॉलेज व सामान्य ज्ञान नंबर 2 भाग में, नंबर 3 भाग में तर्क शक्ति और रीजनिंग, और नंबर 4 भाग में होगा कॉम्प्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें ITUP SILDC में इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश में सबसे पहले पैराग्राफ या पेसेज आता है, 1 या 2 पेसेज आएंगे तो 5 नंबर का होगा, 1 पेसेज आएगा तो, अगर 2 पेसेज आए तो 10 नंबर के पेसेज आ जाएंगे। इसके अलावा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या जो 10th लेवल की ग्रामर है, पार्ट ऑफ स्पीच के सारे भाग, टेंस, आर्टिकल, सेंटेंस अरेंजमेंट आदि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये था एग्ज़ाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और अब आप देख लीजिए, 2013-14 का पेपर हमारे पास अवेलेबल है, तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ, और ये आप पूरा पेपर देख सकते हैं, इस प्रकार से आया था उस टाइम।